अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एड मॉब्स के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि अक्सर जब भी काफ़ी यूज़र्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप एड मॉब के एड्स इंप्लीमेंट करते हैं तो वो सही तरह से शो नहीं होते और मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स आते हैं, और अगर एरर ना भी आए तो बाज़ुकात आपके एड्स जो हैं वो डिस्प्ले नहीं होते। तो इसमें बहुत सी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सी कंडीशंस हो सकती हैं, तो उनको आज हम इस वीडियो में ब्रीफली देखेंगे कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और एक जो वीडियो ट्यूटोरियल मैंने आपको पहले एक बनाया था, रिलीज़ किया था, जिसके अंदर हमने अपने जो एड्स हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे, इंटरस्टेशियल और बैनर एड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए। ये अभी मेरे पास ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये जो टेस्ट एड है वो बिल्कुल श्योर है। तो इसको देख लेते हैं। तो बेसिकली एक जो प्रॉब्लम आ सकता है वो आपके एसडीके की वजह से भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने अपना एसडीके मैनेजर जो है वो ओपन कर लिया है, तो इसका मुझे इतनी डिटेल में पता नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें इसे अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो एसडीके बिल्ड टूल्स हैं वो मेरे पास तीन किस्म के इंस्टॉल हैं, 19.1, 23.0 एंड 25.0। तो ये तीनों वर्जन्स मेरे पास बिल्ड टूल्स के इंस्टॉल हैं। उसके अलावा मेरे पास एंड्रॉयड 8.0 एपीआई लेवल 26 ये भी इंस्टॉल है। इसके दोनों कंपोनेंट्स एसडीके प्लेटफॉर्म और सोर्सेज फॉर एंड्रॉयड एसडीके मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा मेरे पास वर्जन 6.0 जो है इसका एसडीके प्लेटफॉर्म जो है वो भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा मेरे पास एक और जो वर्जन है 4.2 ये भी इंस्टॉल्ड है। तो बेसिकली आई डोंट नो कि ये चीज़ें इसे अफेक्ट करती हैं या नहीं, बल्कि मैं अपनी जो सेटिंग है वो आपको बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप यहाँ से कोई भी लेटेस्ट वर्जन या आप तीनों इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं जो वर्जन आपके साथ सूट करे, जो आपके पास रन हो जाए तो आप उसे रख लें। तो मेरे पास ये तीन हैं, 4.2, 6.0 एंड 8.0, ये तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंस्टॉल्ड हैं। उसके अलावा अगर एक्स्ट्राज में हम आ जाएं तो मेरे पास एंड्रॉयड सपोर्ट रिपॉजिटरी 41 इसकी रिवीजन है वो मेरे पास इंस्टॉल्ड है, गूगल रिपॉजिटरी 44 मेरे पास इंस्टॉल्ड है, और यूएसबी ड्राइवर्स वगैरह ये मैटर नहीं करते। तो ये बेसिकली मेरे एसडीके मैनेजर की सेटिंग थी। एसडीके मैनेजर के बाद एक और चीज़ जो मैंने ट्राई की, जब मैंने यहाँ से इसका जो नया प्लगइन था, अभी ये मैं जो प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ इसका जो वर्जन है वर्जन 3.4.0 है, तो 3.4 जब मैंने 3.7.0 चेक किया तो उससे मेरे पास जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, मेरे एड्स जो हैं वो शो नहीं हो रहे थे। तो वर्जन 3.6 भी जो है वो उसको भी मैंने टेस्ट किया, वो भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। तो वर्जन 3.4 जो है वो मुझे स्टेबल लगा। तो इसी को यूज़ करते हुए मैंने ये जो ऐप अभी आपने देखी थी जिसमें बैनर ऐड शो हो रहा था वो बनाई थी। तो इसका पूरा ट्यूटोरियल कि इसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे एड्स को इम्प्लीमेंट करके शो करना है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, या आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो बेसिकली ये वर्जन जो है ये आपने लाजमी, ये बहुत मैटर करता है। हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त तक आपके पास कोई नया स्टेबल वर्जन जो है वो रिलीज़ हो गया हो, तो आप डेफिनेटली उसे भी ट्राई करें। तो बेसिकली ये दो फैक्टर्स हैं। उसके अलावा एक और काम यहाँ से मैंने किया था कि एसेट में जाएंगे आप और प्ले सर्विस रिजॉल्वर, इसमें आप जा सकते हैं एंड्रॉयड रिजॉल्वर्स और इसकी सेटिंग में। तो इसकी सेटिंग में ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये जो तीन जो इनेबल ऑटो रेजोल्यूशन ये मेरे पास चेक्ड है, तो इसको आपने चेक रखना है। उसके अलावा अगर आप वर्जन हैंडलिंग में जाएं और इसकी सेटिंग में जाएं तो ये आप देख सकते हैं कि तीनों चेक बॉक्सेस मेरे पास
चेक है। तो बेसिकली ये सेटिंग हो आपके पास, और ये जो मेरे पास ये जो स्क्रिप्ट है मेरा एड मैनेजर का, ये बेसिकली एड मैनेजर का मेरा स्क्रिप्ट है। तो ये मैंने इस सेटिंग के साथ जो सेटिंग मेरे पास है, अगर यही बिल्कुल सेटिंग आप कर लें तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने अभी अपने पास ये प्रोजेक्ट बना के टेस्ट किया है। यूनिटी वर्जन 2017.1.1 मेरे पास इंस्टॉल्ड है, और एसटीके के वर्जन्स भी मैंने आपको बता दिए हैं कि मेरे पास कौन से इंस्टॉल्ड हैं, और ये जो प्लगइन वर्जन है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका दूसरा ट्यूटोरियल भी है, वो मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये आप ट्राई करें, इससे जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आपके वो सारे सॉल्व हो जाएंगे।